WWE में हमें कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, और WWE में एक मैन की मैन के साथ मैच देखने को मिलती है और वुमेन्स की वुमेन्स के साथ। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा WWE के बेस्ट इंटरजेंडर मूवमेंट्स। तो इस वीडियो का एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नेक काम जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। पिछले साल 2020 में हमें रिया रिपली एंड अलिया एंड स्टोन रॉबर्ट की राइवलरी हमें देखने को मिली थी, और जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी। और NXT के एक इवेंट में द ग्रेट अमेरिकन बैश में हमें रिया रिपली वर्सेस इलाया एंड रॉबर्ट स्टोन के बीच 2-on-1 हैंडीकैप मैच देखने को मिली थी। इस मैच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था देखने के लिए, और इस मैच में हमें देखने को मिलता है कि रिया रिपली काफ़ी तरह डोमिनेट करते हुए नजर आती है रॉबर्ट एंड इलाया को। और इस मैच में ऐसा मोमेंट भी आता है जब रॉबर्ट एंड इलाया रिया रिपली को एक साथ सबमिशन लगता है, लेकिन वहाँ पर रिया रिपली टैप आउट नहीं करती। हालांकि दोनों सुपरस्टार मिलकर अटैक करते हैं रिया रिपली के ऊपर, लेकिन रिया रिपली वहाँ पर हारने मानती। और इस मैच के बीच ऐसा मोमेंट भी आता है जो कि आप देख सकते हैं किस तरीके से रिया रिपली ने इलिया को रॉबर्ट के उस वाले उससे पे दे मारा, और देखिए उसका रिएक्शन। रिया रिपली यहाँ पर दोनों को भी सबमिशन मूव लगा देती है, और वहाँ पर दोनों भी टैप आउट कर जाते हैं रॉबर्ट एंड इलाया। ये बात है 2020 के मनी इन द बैंक पेपर व्यू की, जहाँ पर WWE के हेड क्वार्टर पर ये मैच रखा गया था वैंस और वीमेंस का, मनी इन द बैंक ब्रीफ केस के लिए मैच, जो भी WWE हेड क्वार्टर बिल्डिंग के टॉप पर दोनों भी ब्रीफ केस लगाए गए थे और उस ब्रीफ केस के लिए मैच थी। अगर ये मैच देखा गया तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और बेहतरीन भी लग रहा था, क्योंकि कुछ अलग WWE ने किया था इस पेपर व्यू के लिए। इस मैच के दौरान हमें ऐसा मूवमेंट भी देखने को मिलता है जो मेंस और वुमेन्स थे वो दोनों भी लड़ रहे थे एक दूसरे से, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा था। और ऐसा मूवमेंट भी आता है जहाँ पर शेना ब्लेजर रेम स्टूडियो को सबमिशन लगा देती है, और यहाँ पर जैसे शेना ब्लेजर रेम स्टूडियो को सबमिशन होल्ड से छोड़ती है, वैसे ही नाया जैक्स एंड ओटिस आकर रेम स्टूडियो को बीच में टकरा कर दबा देते हैं। रेसल मीना 36 की आपको वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी तो याद ही होगी एज वर्सेस रैंडी ऑर्टन की, जहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने एज को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद हमने रॉ में देखा था कि एज की वाइफ बैथ फोनिक्स वहाँ पर आई थी, और वहाँ पर उन्होंने रैंडी ऑर्टन को स्लैप लगा दिया था, और उसके बाद रैंडी ऑर्टन ने बैथ फोनिक्स को ही एक RKO जड़ दिया था। उसके बाद बैक स्टेज से WWE के ऑफिशियल्स भी आते हैं, चेक करते हैं बैट फोनिक्स को, यहाँ पर कुछ चोट तो नहीं लगी, क्योंकि यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने जोरदार RKO लगा दिया था बैट फोनिक्स को। और रेसलमेनिया 36 में एज और रैंडी ऑर्टन का मैच हो, और इस मैच में एज ने रैंडी ऑर्टन को हरा दिया था। NXT में हमें एक मिक्स टैग टीम मैच देखने को मिली थी, जहाँ पर मिया यम एंड कीथली वर्सेज जॉनी गर्गरो एंड कैंडिस के बीच मैच देखने को मिला था। ये मैच काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन था, इस मैच में कीथली भी थे और वहाँ पर वो नॉर्थ अमेरिकन चैम्पियन थे। इस मैच में जॉनी गर्गरो एंड कैंडिस वहाँ पर हील रेसलर थे, तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा चीटिंग कर रहे थे, एंड कीथली एंड मिया यम यहाँ पर फेस सुपरस्टार्स थे, तो वो काफ़ी अच्छी तरीके से मैच लड़ रहे थे ईमानदारी से। और इस मैच में एक बार ऐसा मोमेंट भी आता है कि मिया यम जॉनी गर्गरो को सुप्लेक्स जड़ देती है, और काफ़ी ज़्यादा अलग था। और इस मैच में कीथली जब भी मिया यम को बाहर देखने जाते तो वहाँ पर जॉनी गर्गरो वहाँ पर एक किक लगाकर वहाँ पर DDT दे देते रोप से कीथली को, और वहाँ पर कीथली उस कैंडिस के ऊपर वो गिर जाते हैं, और वहाँ पर वो जॉनी गर्गरो उसी का फ़ायदा उठाकर रोल अप करके इस मैच को जीत लेते हैं। पिछले साल स्मैकडाउन लाइव में निक्की ग्रॉस एंड एलेक्सा ब्लिस की राइवलरी चल रही थी अगेंस्ट बेली एंड साशा बैंक्स, और इस स्मैकडाउन के एक एपिसोड में निक्की ग्रॉस भिड़ी थी बेली के अगेंस्ट, और वहाँ पर साशा बैंक्स एंड बेली हील थी, तो वहाँ पर चीटिंग करके बेली मैच जीत गई थी। और उसके बाद निक्की ग्रॉस थी जो उन्होंने एलेक्सा ब्लिस को धक्का देकर वहाँ से चली गई थी रिंग के बाहर, और वहाँ पर हमें लाइट्स ऑफ होते हुए नजर आती है, और वहाँ पर द फीड हमें नज़र आते हैं, और वहाँ पर द फीड अटैक कर देते हैं एलेक्सा ब्लिस के ऊपर, वो एलेक्सा ब्लिस को मैंडेबल क्लो वहाँ पर लगा देते हैं, और एलेक्सा ब्लिस वहाँ पर ही सो जाती है। और आज देखिए एलेक्सा ब्लिस द फीड के साथ में है। NXT में पिछले साल में मैच देखने को मिली थी, वो देखने को मिली डेमियन प्रिस्ट एंड लो शिराई वर्सेस जॉनी गर्गरो एंड कैंडिस के बीच एक मिक्स टैग टीम मैच। इस मैच में DMN एंड लो शिराई वहाँ पर फेस टीम थी, और सामने जॉनी गर्गरो एंड कैंडिस वहाँ पर हील रेसलर थी, तो वहाँ पर जॉनी गर्गरो एंड कैंडिस काफ़ी ज़्यादा चीटिंग कर रहे थे।
उनकी मैच देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थी और देखने को भी काफ़ी मज़ा आ रहा था। इस मैच में लो शिराई जॉनी गार्गानो के ऊपर भी अटैक करते हुए नजर आई थी। इस मैच में ऐसा मोमेंट भी आता है कि इस मैच में डीएमएन एंड लो शिराई के हाथ में मैच था, लेकिन वहाँ पर जो कैंडिस होती है वो वहाँ पर डेमियन को लो ब्लो लगा कर इस मैच में ये चीटिंग से जीत जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे WWE के बेस्ट इंटरजेंडर मूवमेंट से। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे सकते हैं, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इंस्टाग्राम के अलावा अभी तक आपने हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब तक के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर।